तो हमारे बजेस को लेकर यार बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। तो बैड न्यूज़ क्या है यार? यार हमारे जो मैंगो और मैंगो का दोस्त जो स्नो है, और जो स्नो और मैंगो की जो फैमिली थी उसमें से भाई हमारे दो बजेस यहाँ से गायब है। गायब मतलब है यार मुझे सच में पता नहीं यार ये कैसे गायब हुए। और यहाँ पे हमारे जो एक बजेस थी वाइट कलर की, सॉरी हमारी जो बटर थी वाइट कलर की, तो भाई वो भी नहीं है यार यहाँ पे। कहाँ गए होंगे यार ये? यार पता नहीं यार कैसे, मतलब कहाँ गए होंगे यार। मैंने ना मतलब हमें ना एक घंटे से यहाँ पे रुके हैं, तो मैंने एक गेस किया कि भाई यहाँ पे बिल्ली तो आती है यार, तो बिल्ली कैसे लेके जाएगी यार इनको। यहाँ पे पंख भी देख, यहाँ पे देखिए पंख भी, यहाँ पे ये पंख भी लगे हुए यहाँ पे। और मुझे लगता है ना यार बिल्ली का ही अटैक हुआ है यार ये। फिर यहाँ पे ये इसको कैसे लेके गए यार बिल्ली? स्टॉप, मुझे लगता है कि यहाँ से लेके गई होगी बिल्ली। हाँ ना यार, यहाँ से भी हो सकता है। हाँ। नहीं तो अगर कोई आ जा सकता होगा यहाँ पे, यहाँ से कैसे जाएगी यार? उस बिल्ली को इतना थोड़ी मालूम है कि भाई यहाँ से ऐसा उछकाना है। वो भी हो सकता है, किससे मतलब। ये देख इसको भी थोड़ा बहुत ही किया है देख। हाँ तो यार कोई पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार है ना हमारे जो हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स आए थे, रिलेटिव्स के लड़के भाई, उन्होंने क्या किया ये खोल दिया और खोल कर भाई चले गए डायरे। यहाँ से हमारी सारी बजीज उड़ गई थी पिछली बार। बट अभी एक दो दिन से तो कोई आया भी नहीं यार हमारे यहाँ पे। हाँ ये तो हो सकता है। तो मुझे लगता है ना भाई ये 100% का ना बिल्ली का अटैक है का ही काम। और हमें इसके ऊपर ना बहुत जल्दी एक फैसला लेना होगा। मतलब ये जो केज सिस्टम है ना हमारे नीचे जाने वाले, मैं भी सोचता हूँ फिर भाई करेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे नहीं रख सकते हम। आज रात को ना पूरा डक के जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमारे जो गोल्ड फिश है लाए क्या? हाँ लाया, कि दो ही लाया लेकिन। अबे यार मैंने तुझे दादा बोला था ना यार, मुझे नहीं पता था, मैंने दो ही लाया। अबे यार ठीक है, जरा और 1 किलो लेके आएंगे अपन, क्योंकि यार ये सिर्फ है ना हमारे सिर्फ स्नो के लग जाएंगे भाई दोनों के दोनों। और दोस्तों मैं अभी हमारे गोल्ड ये भी इसको है ना जल्दी जल्दी ना फोड़ करे ना, कहाँ पे रख दे, वहाँ पे रख दे हमारे इधर। ये जो राइस है ना, ये राइस सारे के सारे निकाल ले और इसमें मिक्स कर दे हमारी, नहीं बाजरे में मत कर क्योंकि ना वो हमारे बजरे के लिए, ये निकल और है ना उसमें मिक्स कर ज्वारी में। ठीक है। सारी रात यार सो नहीं सका यार, और भाई क्योंकि हमारे जो गोल्ड फिश है भाई इनके बारे में सोच रहा है यार, इनके लिए मैं कैसा सेटअप करूँ, इनके लिए मैं क्या करूँ, इनके लिए कहाँ पे रखूँ, इतनी सारी गोल्ड है यार पता नहीं यार। तो भाई मैंने सोचा कि हमारी गोल्ड फिश यार रहेगी साइड वाले पॉन्ड में, मतलब साइड वाली हमारी जो छत है ना उधर हम हमारे सारे गोल्ड फिश छोड़ देंगे। तो मेरा वही प्लानिंग हुआ। और मुझे पेट शॉप वाले भाई बोले कि भाई आप इनको जितना बड़ा स्पेस दोगे वो अपनी गोल्ड फिश उतनी जल्दी जल्दी बढ़ेगी भी और एक्टिव भी रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारी सारी गोल्ड फिश उठा लेंगे और मैं आपको बता दूँ हम कहाँ छोड़ने वाले हैं। अरे ईजी डाल दे इसमें, नीचे मत गिरा। नहीं नहीं तुझे साफ करना होगा। नहीं नहीं गिरा। ओके ओके ओके, एकदम परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे रख देता हूँ ये हमारे बजेस के लिए और कॉकटेल के लिए। चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारी गोल्ड फिश कहाँ पे रहने वाली है। और दोस्तों साइड वाला जो स्लैब है भाई टेरेस वाला, तो ये वाला है, तो मैं यहाँ से कूद कर अभी वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे एक मिनट पहले जाता हूँ भाई यहाँ से। बड़ा मुश्किल है भाई यहाँ से जाना ही मुश्किल है। तो ये है भाई वो दो पॉन्ड, यहाँ पे हमारे एक पॉन्ड में गोल्ड फिश रहेगी और एक पॉन्ड में देखेंगे भाई इसमें क्या रखना है। और यहाँ पे धूप वगैरह भी आती है तो हमें कुछ ऊपर से शीट वगैरह डालनी होगी, वुडन शीट वगैरह, तो ये हमारे गोल्ड फिश वगैरह बच सके। और थोड़े बर्ड्स वगैरह से भी हमें थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। तो ठीक है, यही दिखाना था। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे जो प्लैटी फिश के जो बेबीज है भाई, अभी इनको आते हुए कंप्लीट 1 से 2 दिन हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे ये अभी थोड़ी फ्री स्विमिंग भी करने लगे। देखो भाई, तो ये देखो ये देखो ये एक्टिव भी हो गए और फ्री स्विमिंग के लिए रेडी भी हो गए। तो मैं अभी इनको हमारे बेबी पॉन्ड में ऐड कर देता हूँ। तो चलो भाई, इनका जो टेम्परेचर पहले सूट करवा लेते हैं 10 मिनट्स के लिए,
इंटरेस्ट शूट होने के बाद हमारे बेबी पॉन्ड बेबी फिश के लिए हम छोड़ देंगे। पहले यार हम क्या करते हैं, हमारे बेबी फिश को फूड वगैरह दे देते, क्योंकि क्या होगा ना, हमारे बेबी फिश इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक भी कर सकते, मतलब इनका नाम वगैरह लेंगे यार। इसके लिए मैं इनके लिए मैं अभी फूड पहले दे देता हूँ। तो है ना दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो थोड़ी बहुत बड़ी साइज़ की गप्पी फिश है हम उनको निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ये बेबीज के ऊपर वो अटैक कर सकती है, अटैक मतलब यार उनको खा भी जा सकती है। वो देखो वाले कहाँ गई यार, अभी थी ना यार यहाँ पे, देखो 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 वो वाली परफेक्ट पकड़ा। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म और इसको पकड़ लिया। कितनी बड़ी दिखा, कितनी बड़ी है। चलो इसको छोड़ दे अभी हमारे उस टब में छोड़ दे, तब तक के लिए मैं इनको ना ब्लड वॉर्म खिला देता हूँ। इनको ब्लड वॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी देखो कि इससे आ जाएंगे हमारे सारे के सारे मौली फिश के भी। ये देखो भाई, ये देखो सही है। दूध इनको खिला मैंने यार। ये देखो भाई, तो इनका भी फायदा क्या होगा, हमारे ये बेबी जब पूरा पेट इनका फुल होगा तो ये स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, आराम से एक जगह पे पड़े रहेंगे, फिर हम हमारे जो बेबी प्लैटी फिश है हम उनको छोड़ देंगे। यार प्लैटी फिश में और देख लेते हो यार, इन्होंने बेबीज वगैरह दिए तो नहीं, नहीं यार दिए तो नहीं है, बट हमारी एक फीमेल है ना भाई, बहुत ज़्यादा लो, मतलब भाई देख उसकी साइज़ देखो यार, पहले वो मैं साइज़ दिखा देता हूँ, कितने बेबीज देखी है देखो। नहीं ये नहीं, उससे भी ज़्यादा फुली हुई है भाई। वो देखो भाई, वो कहाँ गई यार, एक मिनट पकड़ के दिखा तो आपको मैं, तो इसकी आप साइज़ देख सकते हो। ये देखो भाई, भाई इसकी साइज़ देखो यार, कितने सारे बेबीज देगी यार, पता नहीं यार, बहुत जल्दी ये बेबीज दे देगी। ओए ओए ओए, मैंने छोड़ दिया इसको, और इनको भी ब्लड वॉर्म दे दे, थोड़े इनको थोड़े दे दे, पाँच एक ही बार डुबाने का। ओके इनको चले देते हैं फिर तो ना, हमारे बेबीज पहले अभी छोड़ देता हूँ, इनको भी अभी 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गए, तो चलो। अबे यार गंदगी भी गई यार, हट, चल कोई नहीं। सारे सेटअप के ऊपर के जितने भी फिश हैं सबको दे दे, थोड़ा थोड़ा दिया, और थोड़ा नीचे भी रहने दे, मतलब नीचे वाले फिश रैंक रूम में भी देने, गोल्ड फिश को देने यार, मैं थोड़ा थोड़ा डाल दे, चल मैं देखता तुझे। ओके बस इतना ही, एक ही बार डुबाने का, डन। इधर थोड़ा 1, 2, 3 और 4 नीचे। तो अभी ना दोस्तों मैं ब्लड वॉर्म हमारी गोल्ड फिश को दे रहा हूँ, भाई इनका बहुत ज़्यादा पसंद है यार। एक मिनट अभी देखो ये कैसे खाएंगे। ये लो जी मैंने डाल दिया। अरे खाते यार नहीं, मुझे नहीं पता यार, बट इसको 100% खाएंगे पेट शॉप। ये देखो भाई, खा रहे। वाओ। तो ना दोस्तों हमारी गोल्ड फिश यहाँ पे ना हम 2 दिन रहने देंगे, क्योंकि अरे थोड़ी स्ट्रेस में है ना, तो हम इतने दूर से हम तो लेके आए, तो इनको हम यहाँ पे 2 दिन रहने देंगे, और हमारे बड़े वाले साइड वाले टेरेस में हम इनको 2 दिन में छोड़ देंगे। ठीक है जाओ यार, इतना इनके लिए काफ़ी हो गया, अभी हम सारे फिशेस को दे देता हूँ। हर बारिश स्टार्ट हो गई, तो अभी ये जो कौन है ना मैं इनको ये निकल लेता हूँ, ये पकड़ना तो। तो अभी ना भाई बहुत दिनों से मैंने इनको दिया नहीं भाई, ये ठीक है ना, देखे देखते खाते यार ना। चलो गिनीट्स आ जाओ भाई, आ जाओ, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है यार, भी पिछली बार ना बड़े शौक से खा रहे थे यार, ये वही खा रहे यार। ये भी इनको ही दे देता हूँ ना, तो भाई ये भी खा लो यार, ये हमारी बजीज भी खाएंगे ना, हमारा मैंगो और वैनिला भी खाएगा। तो ये अभी ना हमारे स्नो और ब्लैकी को दे देते, चल ब्लैकी, चल स्नो, चल। हलो, एक ये तू ले और एक ब्लैकी लेगी, चल हलो चलो दोनों। तो अभी ये ना दोस्तों ये हम हमारी बजीज को दे देते, बट बजीज बहुत शौक से खाती है यार, चल। अबे यार दोस्तों, हमने कल ये फाइटर फिश हमारे सेटअप में ऐड किए थे, बट ये हमारे सेटअप के लिए नहीं है, ये सारे के सारे मतलब मैं मेरे दोस्तों को देने वाला हूँ, मतलब ये भाई नहीं हमारे सेटअप में नहीं रहेंगे यार, क्योंकि यार इनके लिए ना जगह ही नहीं है हमारे सेटअप में,
तो ये सारे हमारे मतलब मेरे दोस्त के पास जाने वाले, तो ठीक है हम हमारे सेटअप में मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 पांच में से भी ये दोनों टैंक फुल है और तीन ही टैंक हमारे पास खाली है, तो 3 फाइटर फिश हम रख लेंगे और बाकी सारे फाइटर फिश मैं मेरे दोस्त के पास दे रहा हूँ। यार अभी हमारे यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई थोड़ा बहुत, आ जाना मैं बारिश में हमारे टैंक छोड़ दे, चलो आओ 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 चलो चलो आओ, हल्की सी बारिश है, आओ 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 दाना लेके जाता हूँ। बारिश में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते भाई पिजन्स, जो बेबीज है ना वो भी बड़े हो गए तो इनको इतनी ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं, तो वही थोड़े बहुत पानी में भी भीग गए तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी वजह से इनको छोड़ दे रहा हूँ मैं। मैं बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे पिजन्स को, चलो आओ आओ अभी चने देखते ही भाई आ गए, आओ आओ चलो चलो जाओ चलो भाई चलो 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 आ जाओ 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 अबे एक मिनट ना भाई पिजन्स तो वन कर दे, बारिश आ रही है यार, हुए यार आज एक बेबी बाहर आ गया, हुए हुए और एक था यार किंग का, अच्छा अच्छा वो तो अभी उड़ने लगा यार, देखो कितना बड़ा हो गया वो उड़ने लगा, तो चलो भाई इनको भी मैं बंद कर देता हूँ। यार घर वाले ना यार यहाँ पे भुट्टा रख के गए यार हमारे स्नो वाले, चल भाई स्नो खा ले, चल चल ब्लैकी चल आ जा भाई आ जा चल खा ले, ब्लैकी को कौन बहुत ज़्यादा पसंद है यार, खा लो खा लो खा लो। तो मैंने हमारी जो फाइटर फिश थी वो सारी की सारी ग्लास में निकाल ली, मतलब एक मिनट आपको दिखा देता हूँ पहले, तो यहाँ पे मैंने हमारे सारी फाइटर फिश रख दिए, ये देखो भाई ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे रख दिए। और दोस्तों मैंने यहाँ पे इनको क्यों रखा, ये जाने वाली है भाई मेरे दोस्त के पास, क्योंकि मैं इनको नहीं रखना चाहता क्योंकि इतनी सारी फाइटर फिश हमें रखने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये मैंने मेरे दोस्त को ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो वो सारी की सारी फिश अभी लेके जाने वाला है, तो तब तक हम इनको यहीं पर रखेंगे, कल सुबह वो लेके जाएगा, ठीक है उसके पास रखने के लिए बहुत जगह है भाई, हमारे पास रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं, तो ठीक है ना। अभी ना रात हो चुकी है और मैंने सारे पिजन्स भी ढक दिए, और भाई अभी बारिश ही चल रही है यार इतने रात को, क्या पता भाई क्या हुआ, कल से चल रही है यार, रात को बारिश आती है और सुबह पूरा धूप होता है, ऐसा है अच्छा है। तो चलो ये हो गया डन 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 सब अभी, तो चलो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में, और कल हमारे सेटअप में एक अलग तरह का सरप्राइज आने वाला है भाई, ठीक है क्योंकि मैंने अंकल को 7-8 दिन से बोल के रखा था भाई वो सरप्राइज, मतलब वो चीज़ हमें ला के दो, तो बहुत जल्दी वो चीज़ हमारे सेटअप में कल आने वाली है, तो मैं उसका अपडेट दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप थोड़ा इंतज़ार करो, तो ठीक है बाय।